और हमको ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा है गाइस। तो ऐसा बोलने के बाद हमको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैसे भुंजाता है वो भी आप लोग को दिखाएंगे इस बार। सारा राउंड भुंजा के रेडी हो गया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग में आप लोग को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो मॉर्निंग के अभी 8 बज रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा धूप इधर निकल गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है। सुबह सुबह ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ही धूप लगता है गाइस। तो देखिए मॉर्निंग का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर। ये रहा हम लोग का मोहल्ला, जो कि सुबह सुबह का नज़ारा। सालो हाय बोलो इधर, आज नहीं बोलेगी। तो गाइस इधर से धुआं उठ रहा है, जो कि चूल्हा जला है। सुबह सुबह तो खाना बनने का तैयारी हो रहा है, तो चूल्हा वाला जला है तो धुआं उठ रहा है इधर से। हम तो अभी गाइस छत में है, तो यहाँ से हमको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बरस भी हम नहीं किए हैं। तो सबसे पहले अब हम नीचे जाते हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा धूप है इधर। अरे ये सुबह सुबह बरस करने के लिए कहाँ जा रही बेबी? बरस करने। अरे क्या गिरा? तो ये बरस करने के लिए जा रही है। तो ये सुबह सुबह स्कूल जा रही है, मेरा भांजी है, तो सुबह सुबह खाने का तैयारी कर रही है, जो कि यहाँ खीर है इसमें, तो यही खा के अभी स्कूल जाएगी ये। और हम लोग का तो खाना अभी तक बना नहीं है, जो कि इधर तैयारी हो ही रहा है सुबह का, तो इसमें मसाला भी पिसाएगा। तो बरस भी हम नहीं किए हैं, तो ये मेरा भांजी जो कि सुबह सुबह ही खाना अपना तैयार कर रही है इधर, जो कि स्कूल जाना है इसको। स्कूल तो अब खुल गया है। तो हम लोग का उधर तैयारी हो रहा है, जो कि सिस्टर अभी कर रही है, तो चूल्हा जला रही है, तो क्वालिटी आ नहीं रहा है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं अभी आ रहा है, तो क्वालिटी इसलिए आ नहीं रहा है। तो चूल्हा से बहुत ज़्यादा ही धुआं आ रहा है, जो कि सुबह सुबह अभी जलाया चूल्हा, तो बहुत ही ज़्यादा धुआं आ रहा है इधर। और मेरा भांजी इधर जो कि अपना तैयारी कर रही है खाने के लिए, सुबह ही भूख लग जाता है, पता नहीं क्वालिटी इसमें आ नहीं रहा है, जो कि चूल्हा अभी जल ही रहा है। सिस्टर इधर चूल्हा जला रही है। हाय बोलो इधर, हाय। तो ये भी बहुत शर्मा रही है, देखो कैसा शर्मा रही है। तो ये दूसरी वाली सिस्टर है, जो कि वो बोल नहीं पाती है, वो वाली नहीं है। तो ये मेरा बड़ी सिस्टर है। गाइस कैसा शर्माएगी अभी, हाय बोलो, हाय। देखो जब भी हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो ये शर्माना चालू हो जाता है इन लोग का, इतना जोर से हंस रही है कि कोई सुनेगा तो बोलेगा क्या कर रहा है इन लोग, कॉमेडी कर रहा है ना क्या कर रहा है। लेके आ गई चम्मच इधर अपना, तो इसमें खीर है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि पूरा दूध से ही बना है, तो पानी उनी नहीं डलाया है, जो कि प्योर दूध का बना है इसमें खीर। तो ये खा रही है मेरा भांजी, तो हमको भी खाने का मन कर रहा है, तो हाय बोलो, हाय हाय बोलो। बस शर्माना चालू हो गया, पता नहीं इन लोग बहुत ज़्यादा ही शर्माती है, तो हमको भी खाने का मन कर रहा है गाइस। तो हम तो अभी खा नहीं सकते, क्योंकि बरस किए नहीं अभी तक, तो ये स्कूल जाएगी तो सुबह ही उठ जाती है, ये बरस करके रेडी है, नहा धो के रेडी है, तो खाइए उसके बाद स्कूल जाएगी। तो खाना तो अभी बना नहीं है, तो ब्रेकफास्ट होगा उसके बाद खाना खाएगी, जो कि स्कूल में इन लोग का ब्रेकफास्ट होता है 11 बजे, तो 11 बजे फिर आएगी, उसके बाद सुबह का नाश्ता करेगी। तो इधर से थोड़ा सा ली है, ज़्यादा नहीं ली है, तो इसका ख़त्म भी हो गया है खीर। और लेगी क्या? कुछ बोल नहीं रही है, बहुत शर्मा रही है। तो हम लोग का तो नाश्ता अभी तक बना नहीं है सुबह का, जो कि बहनी बनाती है, तो अभी तक आई नहीं है सिस्टर नहा, जैसे कि अगले ब्लॉग में आप लोग को बताए थे कि वो सिस्टर बोल नहीं पाती है, तो वो नहा के अभी आई नहीं है, तो वही खाना बनाती है, तो सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना वही बनाती है, तो अभी तक नहा धो के आई नहीं है, तो सुबह ही वो भी नहा लेती है प्रतिदिन, तो आज उसका लेट हो गया, शायद ज़्यादा ही कुछ काम होगा सुबह, तो इसी के चलते अभी नहा के आई नहीं है, तो इधर चूल्हा जल के रेडी है, वो आएगी उसके बाद खाना बनाएगी, इसलिए हम बरस भी अभी तक किए नहीं है, जो कि मॉर्निंग के 8 भी बज गया है। राइस का पेट नहीं भरा है, जो कि और भी ले रही है इधर से, पहले ही बोले हम इसको कि लेगी क्या, तो कुछ बोल नहीं रही है। लेगी क्या? हाँ बोलो, तुम भी गूंगी हो गई है क्या? ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही बोलती है, लेकिन अभी शर्मा रही है, इसके कारण कुछ बोल नहीं रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही बोलती है। अभी मॉर्निंग का नज़ारा बहुत अच्छा ही लग रहा है गाइस, तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा धूप आ गया, तो ये मेरा फूफा जी इधर सोए हुए हैं, जैसे कि अगले ब्लॉग में आप लोग को दिखाए थे, तो वही है, जो कि काम वम करता नहीं है, तो ज़्यादा चल भी नहीं पाता है उतना, तो सुबह सुबह यहाँ आके सो जाता है। इधर से शर्मा रही है, जो कि अभी स्कूल जाएगी, इसका टाइम नहीं हुआ अभी। तो इधर से हम भी बरस अभी तक किए नहीं है, तो सबसे पहले फटाफट से बरस कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो इधर हम बरस करके आ गए हैं गाइस, तो खाना भी अभी तक इधर बना नहीं है, तो सिस्टर भी इधर नहा के आ गई है, जो कि ये रही सिस्टर, हाय बोल दो, हाय। तो ये बोलती नहीं है, जैसे कि अगले ब्लॉग में आप लोग को तो बता चुके हैं कि ये बोलती नहीं है, तो ये अब आ गई है, यही अब खाना बनाएगी। तो खाना खाना कब बनाई? अभी थोड़ा देर बाद में बनेगा खाना, तो वो बता रही है कि थोड़ा देर बाद में बनेगा, तो उधर चूल्हा अभी जल ही रहा है, तो चढ़ा है, तो दोपहर का लग रहा है हमको चढ़ा है, तो अभी सुबह का खाना, तो रोटी बन ही गया है, तो सब्जी बनने का देरी है, तो इधर सिस्टर अपना काम कर रही है इधर। इधर से रोटी बन के हम लोग का रेडी है, तो सब्जी बनने का देरी है, सब्जी बनेगा उसके बाद ही खाना लगेगा।
तो ये रहा सुबह सुबह का नाश्ता जो कि मिल गया हमको, क्या है इसमें तो बहनी हमको ला के अभी दी है, तो अभी इसको पहले सबसे पहले खा लेते हैं हम, जो कि सुबह का अभी खाना तो लगा नहीं है, तो यही सबसे पहले खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जो कि मीठा लगता है, और आप लोग भी खाएं गाइस तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगता है, बहुत ही हमको अच्छा लगता है ये खाना। तो उधर से अभी लगा नहीं है सुबह का नाश्ता, तो ये दोपहर का तैयारी कर रही है सिस्टर, जो कि ये चावल चावल इधर तैयार कर रही है, तो सुबह सुबह का नाश्ता ये हमको ला के दी है, ये रहा तो यही अभी हम खा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इधर रोटी बन के रेडी है, तो ये रोटी बन के रेडी है, तो सब्जी शायद बना नहीं होगा, और चाय भी इधर है, जो कि चाय सुबह सुबह ये बनाती है, चाय के बिना ये रह नहीं पाती है, तो सुबह अपना तैयारी कर ही लेती है। वाला रूम में सब्जी का तैयारी हो रहा है, जो कि आलू अभी आ रहा है, तो ये कटने का देरी है, बस सब्जी भी बन जाएगा अब, तो रोटी बन के तो रेडी है, चाय पिएगी अब, गर्म कर रही है फिर से चाय इधर, जो कि थोड़ा सा बचल था, तो ये खाने में बहुत आगे रहती है। इधर रोटी बन के रेडी है ना, तो रोटी इधर बन के रेडी है, तो बस सब्जी का देरी है, जो कि ये सब्जी बनेगा उसके बाद ही खाना लगेगा मेरा। इसमें क्या, और इसमें रात वाला सब्जी है ना, तो ये रात वाला सब्जी है गाइस, तो ये तो खराब ही हो गया होगा, ऐसे भी हम खाते नहीं है रात वाला सब्जी, तो थोड़ा देर वेट ही कर लेते हैं इधर। तो इधर से कढ़ाई चढ़ गया, जो कि सब्जी अब रेडी हो जाएगा कुछ देर में, तो क्वालिटी आ नहीं रहा गाइस, क्योंकि अंधेरा है थोड़ा सा, तो क्वालिटी आ नहीं रहा है। पाँच फरम जो कि अब डालाएगा इसमें, तो आग तो बहुत ही ज़्यादा हीट है, जो कि सब्जी बनने में देरी नहीं लगेगा, तो फटाफट से इधर सब्जी भी बन जाएगा, और सिस्टर तो काम करने में आगे है। प्याज जो कि गर्म है बहुत, तेल तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया लग रहा है, तो तुरंत बन जाएगा वो। तो उधर तो सब्जी बन ही रहा है गाइस, तो थोड़ा देर वेट ही कर लेते हैं, तो इधर हम बैठ गए हैं, तो बहन इन लोग अभी बना रही है इधर, आलू भी डाल दी इधर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, कढ़ाई पूरा हीट हो गया, तो आग बहुत ही ज़्यादा है, तो तुरंत बन जाएगा, अब बनने में लेट नहीं होगा। तो ये इधर चेक कर रही है रात वाला सब्जी कि ख़राब हुआ है क्या, तो ये रात वाला सब्जी है गाइस, जो कि ख़राब तो नहीं हो गया, वही चेक कर रही थी सिस्टर अभी। ये अब कितना देर लगाएगी बनाने में, तब से अभी भूंज ही रही है सब्जी को, जो कि हो ही गया है, थोड़ा देर है। इधर सब्जी बन के रेडी हो गया, तो दूसरा कुछ भूंज रही है, जो कि इधर चीड़ा है, तो यही अभी भूंज रही है, जो कि उधर कढ़ाई में, तो सब्जी तो बन के रेडी हो गया, तो आप लोग को भी दिखाते हैं कि कैसे भूंजा जाता है इसको, तो अभी भूंज रही है सिस्टर इधर। देखिए गाइस, जो कि चीड़ा है इसमें, तो पूरी तरह से तैयारी हो रहा है इधर, जो कि भूंज रहा है इसको, तो भूंजने के बाद खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये हम पहले भी खा चुके हैं, जो कि चीड़ा है, तो इसमें ये देखिए ये चीड़ा है, तो यही अभी भूंज रही है इधर सिस्टर, भूंजा के रेडी हो गया गाइस, तो खाना भी हम खाए नहीं है, तो ये तो पहले खाएंगे नहीं, तो ये बाद में खाएंगे, पहले नाश्ता करने के बाद। तो इधर खाना भी बन के रेडी है, जो कि सब्जी अभी उतारी सिस्टर, जो कि इधर सब्जी बन के रेडी है, बहुत ही गर्म है, तो इसी का चलते वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। रही अब दूसरा वाला रूम, जो कि सिस्टर इधर अभी अपना तैयारी कर रही है इधर, जो कि ये दोपहर का बना रही है सब्जी इधर, जो कि इसको हम लोग बटबटी बोलते हैं, तो इसका सब्जी भी बहुत अच्छा लगता है गाइस, जो कि ये दोपहर में बनेगा हम लोग का, ये दोपहर का रेडी हो रहा है, तो सुबह का तो बना के रेडी कर दिया उधर। और ये रहेगा साथ में, जो कि झींगा है और भिंडी है इधर, और ये बटबटी मसाला तो अभी पिसाया नहीं है, जो कि अभी पिसाएगा, इसको भी रेडी करके रखी है इधर, तो ये काटने के बाद शायद पीसेगी। तो दूसरी वाली बहन तो उधर चीड़ा भूंज रही है, तो इसी के चलते अभी उसको खाना लगाने नहीं बोले, तो ये भी इधर अपना काम कर रही है, तो मेरा खाना लगेगा इन लोग को काम करने के बाद। तो ये इधर काट के पूरी तरह से रेडी कर दी है, तो अब झींगा को काटेगी, तो ये तो पूरी तरह से काट के रेडी कर दी है। तो एक ही झींगा था गाइस, तो दूसरा वाला कहाँ से लेके आई, तो दो गो में दोपहर का सब्जी हो जाएगा इधर, तो दोपहर का ही तैयारी हो रहा है ये, जो कि दोपहर में बनेगा, तो इधर चावल चढ़ाई है, तो सुबह का नाश्ता तो बन ही गया है, तो नाश्ता अभी तक किए नहीं है। ये इधर भूंज के रेडी कर दिया, जो कि इसको भूंज के रेडी कर दिया, तो अभी बहुत ही ज़्यादा हीट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्म है इसमें, तो ये तो अभी खाएंगे नहीं, तो सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता अभी तक किए नहीं है सुबह का, तो सुबह का नाश्ता भी मेरा इधर लग गया है, जो कि ये सब्जी रहा, आलू का सब्जी, ये रहा मेरा रोटी, और ये सब्जी, तो ये आलू का सब्जी है गाइस। तो सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं गाइस, क्योंकि नाश्ता किए नहीं अभी तक, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस मेरा इधर से नाश्ता हो गया, तो अभी तक ये भुंजा ही रहा है, जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं, ये चीरा इतना भुंजा के रेडी हो गया, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, अगर आप लोग नहीं खाए हैं तो कभी ट्राई करके देखना। सारा राउंड भुंजा के रेडी हो गया, और भी है गाइस, जो कि ये वाला भी ना अभी बाकी है, तो ये भुंजाया नहीं है, तो कैसे भुंजाता है वो भी आप लोग को दिखाएंगे इस बार।
रेडी हो गया है। ये तीसरा राउंड का कढ़ाई चढ़ गया गाइस, जो कि कैसे भुंजाया जाता तो आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये तेल डाल दिया पहले, सबसे पहले जो कि कढ़ाई तो हीट ही है, तो ये सबसे पहले तेल डाल दिया जो कि उसी में डालेगी अभी। तो छोटा छोटा भी काट रही है, इधर आ गया है मिर्च भी, थोड़ा सा मिर्च डालेगी शायद, तो अभी भी काट ही रही है सिस्टर इधर। ना भुजा के अभी रेडी हो गया है, जो कि ये भुजा के रेडी हो गया, तो ये अभी भुजाएगा जो कि ये बाकी है। तो तेल इधर गर्म ही हो गया है, बाद नमक जो कि अभी नमक डालेगी। अब ये रहा नमक, तो इसमें नमक भी डाला गया है, ये डालेगी अब। तो ये रहा, अब इसमें डाल दिया, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखना अगर नहीं खाए हो तो ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो जल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग कभी खाए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, और अगर नहीं खाए हो तो कभी ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले भी हम खा चुके हैं, तो ये जैसे कि भुजा के अभी रेडी है, तो ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, लाल होने के बाद जल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है गाइस, जैसे कि जल जाता है तो फिर तीखा लगता है, तो थोड़ा सा इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं। ये भी हो ही जाएगा अब, और थोड़ा सा है। दूसरी वाली सिस्टर इधर जो कि दोपहर का खाना इधर तैयार कर रही है, तो ये भी पूरी तरह से रेडी हो ही गया है। ये दोपहर का ये भी काट के पूरी तरह से रेडी कर दिए, जो कि जैसे कि आप लोग को अभी दिखाएं कि झींगा झींगा है, तो काट के पूरी तरह से रेडी कर दिए इधर। और दूसरी वाली बहन उधर अपना चेहरा भूंज रही है, जो कि दोपहर का खाना बना के, अब सुबह का खाना बना के। तो गाइस कुछ दिन से हम फैमिली के साथ ब्लॉग बना रहे हैं, तो आज कोई मतलब बोल दिया, मेरा मम्मी मेरा माँ ही बोल दी कि ये तुम कुछ दिन से पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि पहले देखा नहीं है हमको वीडियो बनाते हुए, तो अचानक से बोल रही है कि तुम कुछ दिन से पागल तो नहीं हो गया है। और एक भाभी मेरा लगती है वो भी बोली कि कुछ दिन से तुम पागल तो नहीं हो गया है, तो जैसे कि पहले देखा नहीं हमको ब्लॉग करते हुए, तो इन लोग को समझ में अभी नहीं आ रहा है, इसी के चलते हम घर में ब्लॉग पहले बनाते नहीं थे, तो ये बोल के डीमोटिवेट हो जाता है गाइस, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि बोला कि तुम कुछ दिन से पागल तो नहीं हो गया, बस इसी के कारण घर में हम ब्लॉग पहले बनाते नहीं थे, और इसी के कारण घर में ब्लॉग हम बनाते नहीं है फैमिली के साथ। तो सुबह सुबह माँ बोल दी कि तुम कुछ दिन से पागल तो नहीं हो गया है, तो अच्छा नहीं लगता है गाइस ऐसा सुनने के बाद, तो इन लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो इन लोग अभी वीडियो के बारे में जानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता इन लोग को, तो इसी के कारण बोल रही है कि कुछ दिन से तुम पागल तो नहीं हो गया, तो देख रहा है सब। तो अभी जैसे कि बताया गाइस, तो ऐसा बोलने के बाद हमको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई अगर बोलेगा कि पागल तो नहीं हो गया है तो अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो आज का ब्लॉग तो और हमको ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा है गाइस, तो आज का ब्लॉग में आप लोग को तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ गाइस जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।